अब एक भाई ने कल मेरे बारे में चला दिया, कब मुझे नहीं पता कौन सा है कौन है, वो चला दिया। लोग रात भर परेशान रहे कि क्या हो गया जी, मैं भैया कुछ नहीं हो गया। इलेक्शन का तो माहौल है, हमारा आपसे सबसे निवेदन ये है कि किसी की भी चाहे कोई भी है, किसी के बारे में कोई भी झूठी अफवाहें आपके माध्यम से ना फैलाई जाए, मीडिया के माध्यम से। आप लोगों के नेशनल चैनल भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और अखबार भी हैं, क्यों? किसी के लिए तो अफवाह नुकसान कर देती है, परेशानी बढ़ा देती है, लोग बेचैन हो जाते हैं। तो ये जो जनता को गुमराह करने की जो आजकल चल रही है ना, लोगों में बहुत से ऐसे आचरण के लोग हैं जिन्हें स्वाद आता है कि लोग जनता को गुमराह करें, गुमराह करना भी एक अपराध है। और आप लोगों से तो जनता बहुत उम्मीद करती है कि भाई आप सच्चाई जनता के सामने लाएं, इसलिए आपसे सभी से मेरा अनुरोध है। अब एक भाई ने कल मेरे बारे में ही फैला दिया कि साहब मुझे नहीं पता कौन सा है कौन है, वो चला दिया। लोग रात भर परेशान रहे जी क्या हो रहा है जी, मैंने कि भैया कुछ नहीं हो रहा, किसी ने चला दिया झूठी, इसका मुझ पर क्या इलाज है? हाँ, वो भाजपा की तरफ में उनका, तो इस तरह की अफवाहें मेरे से ही नहीं, किसी भी जो इलेक्शन लड़ता है, सबका अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, सबका अधिकार है कहीं जाने का, सबका अधिकार है वोट मांगने का, किसी के बारे में भी। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी की भी मदद करें, किसी की मदद करें, किसी की आप मुखालफत करें, ये आपका भी अधिकार है, लेकिन वो मुखालफत और किसी का सपोर्ट आप जो करते हो, मदद करते हो, दायरे में रहनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी कोई झूठा और जलील ना कहे। ये मेरी आपसे निवेदन है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। किस तरह से खंडन करते हैं आप इन अफवाह का? देखिए, एक तरफ आप लोग भी मेरी बात का दूसरी तरफ मत ले जाना, ये आप मानते हो कि देश की राजनीति आज लोग अच्छी नहीं मानते? आज जनता ने देश की राजनीति का आधार झूठ मान लिया है, हर पार्टी हो, नेता हो, ये झूठ बोलते हैं, ये जनता को बहकाते हैं, ये जनता के दिमाग में है, हमें से छांट के जनता वोट देती है, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, ये कोई देश के फायदे की चीज नहीं है। जो अफवाहें फैलाना कोई देश के हित में नहीं है, अफवाहें हैं, कभी कभी ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है कि उसका समाज को और देश को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। आप लोगों के संपर्क है मेरे से, कभी मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फलाने आदमी के बारे में ये आप खबर छापिए, फलाने के में ये छापिए, मैं कभी नहीं कहा, आप लोग बैठे हो। देखिए, दो चीजें हैं, जैसे एक आदमी किसी को सुपारी दे देता है कि भाई तू इसे पीट दे, इसे मार दे, देता है कि नहीं देता? इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, वो आप लोगों को सुपारी दे देते हैं कि फलाने की तू झूठी खबर निकाल दे, हैं? तो कोई भी हो सकता है, या उसका कोई मकसद ऐसा हो भाई इसकी खबर निकालो, ये तुम्हें नहीं पूछ रहा, तुमसे बात नहीं करता, ऐसे खबर निकालो, हो सकता है ये तुम्हें बुला के तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर दे, ये भी हो सकता है। कांग्रेस मजबूती से काम कर रहे हैं आप टिकट के लिए? मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये कांग्रेस में मेरे नेता हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें मानता हूँ, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा पूरी कांग्रेस को मानता हूँ, कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस के साथ ईमानदारी से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।